बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आई टी फर्स्ट सोल्यूशंस। आप लोग सीख रहे हैं सी शार्प एंड एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि इस फॉर्म में कस्टमर्स के रिकॉर्ड को लोड करवाया था, और अब हम इस वीडियो में करेंगे कस्टमर के नाम को सर्च करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो ये प्रोसीजर्स थे सारे, ये ऑपरेशन ये हमने परफॉर्म किए थे प्रोडक्ट्स स्क्रीन में, प्रोडक्ट्स रिलेटेड, लेकिन वो हमने सारे किए थे स्टोर प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए। और करंटली जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, कस्टमर का डाटा इंसर्ट किया हमने, फिर रीलोड किया, अभी हम लोग क्या करेंगे उसको सर्च करेंगे, उसके बाद हम डाटा को दोबारा रीलोड करेंगे, अपडेट करेंगे, ये सारे काम हम करेंगे क्यूरी से थ्रू, ताकि आपको क्यूरी की लर्निंग भी हो। तो हमने अभी सर्च करना डाटा, तो यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और मैं इस सारे कोड को क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। अगर तो ये एम्प्टी है तो आपने सिंपल लोड कस्टमर डाटा के फंक्शन को कॉल करना है, दैट्स इट, कि सारे कस्टमर्स को लोड कर लो। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ लिखा हुआ है। अब जो इसमें लिखा हुआ है ना, उसकी बेस पे हमने कस्टमर को सर्च करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, कस्टमर्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू सर्च कस्टमर डिटेल्स बाय कस्टमर नेम। ये हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया मेथड, और इसको जनरेट करते हैं। ये मैं रिटर्न करेगा डाटा टेबल, और पहले मेथड की तरह हमने इसका ज़ीरो कॉलम है जो उसको विजिबल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देना है। इसके बाद दैट्स इट। उसके बाद हमने, चूंकि ये रिटर्न कर रहा है डाटा टेबल, तो सेम यही कोड होगा जो हमने यूज़ करना है। इसको कॉपी करते हैं जो हमने गेट डाटा के लिए यूज़ किया था, इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम लोग, सेलेक्ट स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेगी, इसके आगे हमने वेयर क्लॉज लगानी है, वेयर नेम लाइक सिंगल कोट डबल कोट डबल प्लस डबल कोट सिंगल कोट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दें कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ये आप ऐसे कर सकते हैं। इससे हम लोग ट्राई करते हैं, कस्टमर रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसमें थोड़ा सा कोई इशू है, इसको हम चेक करते हैं क्या मसला है इसके साथ। नेम लाइक, और इसमें हम क्या करेंगे, लाइक के साथ हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि ये सर्च सही नहीं कर रहा। तो मैं लिखता हूँ सिंगल कोट, फिर जैसे हमने स्टोर प्रोसीजर में किया था परसेंट प्लस, उसके बाद एट द रेट नेम जो हमारा पैरामीटर होगा, उसके बाद हमने क्या करना है सिंगल कोट फिर परसेंट फिर सिंगल कोट, और इसके शुरू में हमने क्या करना है प्लस लगा देना है। अब चूंकि ये हम पैरामीटर यूज़ किया हमने वेयर क्लास के साथ और लाइक क्लास के साथ, तो हम यहाँ पे पैरामीटर्स को ऐड भी करेंगे, सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और पैरामीटर का नाम है नेम, और कॉमा में हम पास करेंगे कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, सिंपल एज दैट। रन करके टेस्ट करते हैं इसको, कस्टमर्स रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मोहम्मद अहमद। ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है कर रहा है, जब मैं अली या रऊफ को सर्च करता हूँ, कैसर को सर्च करता हूँ, तो ये नहीं सर्च करेगा। तो इस तरह से हम एक और कस्टमर ऐड कर लेते हैं ताकि हम इसको डिफरेंस इसका फाइंड कर सकें। रूफ या सीन मोबाइल मैं कर देता हूँ 03,
पाकिस्तान, सेव करते हैं और अब हम चलते हैं कस्टमर्स रिकॉर्ड पे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोफ, तो यह देख रहे हैं एग्जैक्टली सर्च कर रहा है। जैसे मैंने रेलिफ लिखा तो उसने वो सर्च कर लिया। जैसे कि मैं मोहम्मद करता हूँ तो ये देखें अभी भी सर्च कर रहा है। तो अपने देखा हमने कितनी आसानी के साथ इससे क्यूरी प्रोसेसिंग के थ्रू भी सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। सिंपल हमने क्या किया है, बाकी सारा कोड सेम होगा, हमने सिर्फ एंड पे वेयर क्लॉज लगाई है, उसके साथ हमने लाइक को यूज़ किया है और फिर हमने क्या किया कि लाइक और फिर ये पैरामीटर दिया और उसके बाद इस पैरामीटर को यहाँ पे वैल्यू के साथ पास कर दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कस्टमर डाटा को रीलोड करेंगे इस फॉर्म में ताकि हम दोबारा उसे अपडेट कर सकें। ये तो करंटली सेव का प्रोसीजर है, अब हम चाहते हैं कि दोबारा उसे अपडेट भी कर सकें, तो ये काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।